नकली नोट किए बरामद। पुलिस ने 2000 के नकली नोट के साथ एक गाड़ी में दो व्यक्तियों को पचमा रोड से गिरफ्तार किया। आरोपी गुजरात के निवासी बताए जा रहे हैं। गंज बासौदा देहात थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्यवाही की। विदिशा जिले की गंज बासौदा तहसील में पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति नकली नोट के साथ सफेद रंग की आर्टिगा गाड़ी क्रमांक GJ05RJ2446 से निकल रहे थे। देहात पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए पचमा रोड पर सघन तलाशी शुरू कर दी। एक सफेद रंग की आर्टिगा में दोनों व्यक्तियों को धर दबोचा। इन व्यक्तियों की तलाशी लेने पर 2000 के नोट बरामद हुए। बारीकी से छानबीन करने पर इनके पास से 2000 रुपए के 362 नोट नकली बरामद हुए। वहीं साथ में 50,000 के असली नोट के साथ 1000 और 500 का नोट पुलिस ने बरामद किया। वहीं पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपियों में से एक आरोपी अश्विन कुमार नवड़िया सूरत का रहने वाला एवं दूसरा आरोपी राजेंद्र दत्त जोशी भुसावल का रहने वाला बताया जा रहा है। यानी कि दोनों ही गुजरात के रहने वाले हैं। पुलिस ने धारा क्रमांक 489C-34 अंतर्गत कार्यवाही शुरू कर दी है। ये सूचना मिली थी कि कुछ गुजरात तरफ के गाड़ी पासिंग आ रही है, जो गोदाम दिखाकर नकली नोटों से भरा हुआ गोदाम दिखाकर शर्त लगाकर पैसे की ठगी करते हैं। इसकी सूचना पर पचमा रोड पे गंज बासौदा में गाड़ी को रोका गया। गुजरात पासिंग गाड़ी थी, जिसमें दो व्यक्ति अश्विन और दीपेन जोशी जाम के व्यक्ति सवार थे, जिनकी तलाशी लेने पर उनके पास 6.25 लाख के लगभग नकली नोट, 2000 के एक ही सीरीज के और असली नोट 50,000 मिले हैं। और ये ठगी करते हैं, गोदाम दिखा देते हैं नोटों से भरा हुआ वीडियो बना के, और उसके आधार पर शर्त लगा के लोगों से ठगी करते हैं और उनको पकड़ा गया। उनसे पूछताछ की जा रही, अन्य वारदातों का पूछा जा रहा है।